हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड लर्निंग फ्रॉम देयर ओनली। सो वी आर अगेन बैक विद एन अनदर वीडियो फ्रॉम क्लास 12th, चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्टेन पार्ट वॉज लेफ्ट, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स एज यू ऑल नो इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं वो किस में डिवाइडेड होते हैं? 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। जो क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलॉय। अब एल्वियोलॉय क्या करता है? एल्वियोलॉय विल सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन। एल्वियोलॉय क्या सिक्रीट करेगा? मिल्क सिक्रीट करेगा जो ल्यूमेन में स्टोर होगा। एल्वियोलॉय ओपन्स इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स एंड ईच ट्यूब्यूल द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू द मेमरी डक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है मेमरी लोब्स प्रेजेंट हैं। मेमोरी लोब्स इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू मेमोरी एल्वियोलॉयज विच इज कनेक्टेड टू द मेमोरी डक्ट। यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है? मेमोरी डक्ट है। मैनी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला विच कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी डक्ट जो होती है वो एम्प्यूला के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहती है, जॉइंट रहती है। एंड वॉट डज लैक्टिफेरस डक्ट विल डू? दे विल What they will from lactiferous duct the milk has been sucked out. Lactiferous duct के through जो milk होता है वो sucked out होता है. Understand? Now जब हम पीछे वाला part देखते हैं तो it is connected with the rib, muscle between ribs are present and pectorials major muscles are present. Okay, from the upper part the nipple is present which is consist of many mammary lobes. The next is gametogenesis. Gametogenesis means the formation of gametes. ठीक है, ऐसा process जिसमें gamete का formation होता है उसको हम बोलते हैं gametogenesis. The process of formation of haploid gametes from diploid germ cells in the gonad is known as gametogenesis. It takes place in the primary sex organ, means in testes and in ovaries. Okay, means testes produce sperms and ovaries will produce the ovum. In male, the gametogenesis means the formation of gamete. In male, male mein kaun sa gamete present hota hai? Sperm, right? So कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में ओवम रहता है एज अ गैमेट, तो कौन सा प्रोसेस होगा? ऊजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड ऊजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब हैप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन एक डिप्लॉइड जर्म सेल में से अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? एक बार डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, उस वो दो सेल्स का बना हुआ होता है। कौन कौन से? एक होते हैं जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो टू स्टेजेस में होता है, स्पर्मिटो जेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिटिडोजेनेसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मेटिड्स। जब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मिटोजेनेसिस। ओके, जिसके थ्री स्टेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। नाउ मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है माइटोटिक डिवीजन, जिसके थ्रू एक सेल में से, एक स्पर्मेटोगोनियम में से क्या फॉर्म होता है? चार स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होते हैं। ओके, यू कैन ईजिली सी इन द स्ट्रक्चर, 2n है मतलब स्पर्मेटोगोनिया है। जब इनका माइटोसिस हुआ तो एक सेल में से दो सेल फॉर्म हुए और दो सेल में से चार सेल फॉर्म हुए, जिसको हमने क्या नाम दिया है? स्पर्मेटोगोनिया। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये जो चार सेल्स हैं, ये चार सेल में से सिर्फ एक सेल जो होता है वो ग्रोथ फेज में जाता है। ओके, ग्रोथ फेज में क्या होता है? द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ग्रोज इन साइज, साइज में ग्रो होता है बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है जिसकी वजह से सेल का साइज ग्रो होता है और मैच्योर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किस में ग्रो होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब इसका जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होता है, मियोसिस वन, ओके, तो ये एक सेल विल डिवाइडेड इंटू टू सेल्स, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है और ये जब 2n है, ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब देखो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो 2n में से क्या फॉर्म हो गया? 1n फॉर्म हो गया। ओके, आफ्टर दैट मैचुरेशन फेज अकर, जब डिप्लॉइड प्राइमरी सेल होता है वो मियोसिस होगा उसमें, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दिस लेटर अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। अब देखो इसी में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया। अब वापस मियोसिस टू होगा, जिसमें क्या होगा? अगेन द सेल विल डिवाइड इनटू फोर स्पर्मेटिड्स, चार स्पर्मेटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे। जब इनका स्पर्मेटिड्स का सेल डिफरेंशिएशन होगा तो यही सेल किस में डिवाइड हो जाएंगे? स्पर्म्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे आपको जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? स्पर्मेटिड्स तो हैं बट ये नॉन एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, मोटाइल नहीं, मूवेबल नहीं है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स एंड रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पर्म्स जो होते हैं वो अपना हेड किस में एम्बेड करेंगे? सर्टोली सेल्स में एम्बेड करेंगे और रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हॉर्मोन, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन भी बोलते हैं, GnRH, वो किसको एक्टिवेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन मतलब LH क्या करता है? लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है जो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो एंड्रोजन सिक्रीट हो जाता है तो वो किसको स्टिमुलेट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन क्या करता है? सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ऐसे फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस पॉसिबल हो पाता है। ओके, यहाँ पे आपको ईजिली स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्पर्मेटिड है, नॉन एक्टिव, नॉन मोटाइल। ठीक है, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्म विच इज एक्टिव एंड मोटाइल। अंडरस्टैंड? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज हेड,
मिडिल पीस एंड टेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स एंटायर बॉडी. पूरी बॉडी जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. जो हेड होता है इट इज़ इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. जो हेड होता है, हेड पार्ट जो होता है, हेड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम. एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है हायलुरोनिडेज. अब हायलुरोनिडेज क्या करती है? इट विल ब्रेक द वॉल ऑफ एग और ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक में क्या होता है? नेक इज कनेक्टेड विद द हेड एंड द मिडिल पीस एंड मिडिल पार्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल. टेल इज अ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रू वाइब्रेशन इट विल मूव. 200 to 300 million sperms are formed at the time of ejaculation in which 40% is motile. जिसमें से सिर्फ 40% जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, और 60% जो होते हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है. द नेक्स्ट इज ऊजेनेसिस. ऊजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ऊगोनिया सेल इज नोन एज ऊजेनेसिस. ऊजेनेसिस कहाँ पर होगा? ओवरी में होगा, राइट? एंड इट बिगेन्स एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कब स्टार्ट होगा? एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ ऊगोनिया, अगेन गैमेट मदर सेल्स में से क्या फॉर्म होगा? गैमेट मदर सेल्स में से एट द बर्थ मिलियंस ऑफ फीटल ओवरीज आर फॉर्म्ड एंड फ्रॉम गैमेट मदर सेल्स प्राइमरी ऊसाइट्स आर फॉर्म. प्राइमरी ऊसाइट का मियोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल में से सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होंगे, सेकेंडरी में से टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी में से सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म, सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म होंगे. डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. अब फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं दैट वी विल सी. जो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट में से क्या फॉर्म होता है? इट विल जनरेट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम में से क्या होता है? जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है, ओवुलेशन में से एग जो होता है वो रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में से, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है. मेच्योर फॉलिकल में से क्या बनेगा? सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म होगा, देन प्राइमरी ऊसाइट फॉर्म होगा, फिर कंटिन्यूस फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा. दिस इज द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ मेच्योर फॉलिकल. जब हम ऊजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं, अगेन ऊजेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, ठीक है, इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी इज नोन एज ऊजेनेसिस. कौन सी स्टेज पे स्टार्ट होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट होगा. जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स, ठीक है. जब जर्मिनल एपिथीलियम होती है ओवरी की, वो माइटोटिकली डिवाइड होती है तो मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स फॉर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऊगोनियम या ऊगोनिया, ठीक है. नो ऊगोनिया फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया या ऊगोनियम ऐड नहीं होते हैं, ठीक है. अगेन ऊगोनियम का क्या होता है? माइटोसिस होता है. इट विल डिवाइड इनटू 4 ऊगोनिया. ऊगोनिया फॉर्म हो गया. ये कौन सा फेज हो गया? मल्टीप्लीकेशन फेज. अब इसमें क्या होगा? ग्रोथ फेज होगा. इन चारों में से एक सेल जो होगा वो ग्रोथ फेज में जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी ऊसाइट फॉर्म करेगा. और जो रेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? वापस से ऊगोनिया फॉर्म करेंगे, राइट. प्राइमरी ऊसाइट से वापस रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होगा? अगेन इट विल फॉर्म द सेकेंडरी ऊसाइट. सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म करेंगे और एक पोलर बॉडी फॉर्म करेंगे. जो लार्जर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है ये सेकेंडरी ऊसाइट है, और जो छोटा वाला सेल आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होती है आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है. अगेन इसका क्या होता है? मियोसिस टू डिवीजन होता है तो इसमें से एक ओवम फॉर्म होगा और एक और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी. अंडरस्टैंड? अब जब इसका फॉर्मेशन होगा तो आगे मोटाइल ओवम फॉर्म हो जाएगा,
ये मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके okay. द सेकेंडरी ओसाइट अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म लार्ज ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड ओसाइट फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन। जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या फॉर्म करेगा? जोना पेल्यूसिडा फॉर्म करेगा इन द ग्राफियन फॉलिकल एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी विल अंडरगो इक्वल डिवीजन टू प्रोड्यूस टू सेल्स। दिस ड्यूरिंग ओजेनेसिस फोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अमंग दैम वन इज फंक्शनल एंड थ्री आर नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द टर्म गिवन टू द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। जब ब्लड का पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है, ब्लड टिश्यूज का पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है विद द फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट द फ्लोज लास्ट फ्रॉम 3 to 6 days। 3 to 6 days तक फ्लो चलता है ईच मंथ एंड इज कॉज्ड बाय सडन रिडक्शन इन द हॉर्मोन। किसकी वजह से होता है? जब हॉर्मोन्स, फीमेल के दो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, दोनों हॉर्मोन में अगर सडन रिडक्शन होता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके okay? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज मेना आर्क, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द यूटेरस क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो यूटेरस एंडोमेट्रियम जो होती है, मैंने आपको थ्री लेयर्स बताई थी यूटेरस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है? पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो यूटरस की लाइनिंग जो होती है वो शीड ऑफ हो जाती है विथ द ओवम। जो एग होता है अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके साथ शीड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो अगर ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन हो रही है तो इट विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट एवरी इंटरवल ऑफ 28 days। हर 28 days में ये साइकिल रन ऑफ होती है। वन ओवम इज रिलीज इन द मिडल, ठीक है? एक ओवम जो होता है वो 14th day पे रिलीज होता है और उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 stages होती है। मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग पीरियड, दूसरा होता है फॉलिकल पीरियड जो होता है मतलब एग रिलीज होने के बाद होता है, सॉरी एग रिलीज होने से पहले होता है। तीसरा होता है ओव्यूलेटरी पीरियड जो एग रिलीज होने के बाद होता है, और फोर्थ होता है ल्यूटियल पीरियड, ठीक है? आफ्टर रिलीज ऑफ द एग। फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। ओके, इन द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 3 to 5 days। ये वाला फेज कितने टाइम तक चलता है? 3 to 5 days तक चलता है। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स के साथ ब्रेक डाउन होती है एंड इट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ओके, इट अकर्स ओनली वैन ओवम रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ये कब होगा? जब ओवम रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। मतलब अगर ओवम रिलीज हुआ है और फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी होगी, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होगी। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। ये फर्स्ट 1 to 14 days तक चलता है। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज होता है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्रो होते हैं एंड एंडोमेट्रियम जनरेट्स पॉलिफरेशन। यहाँ पे कौन से हॉर्मोन्स वर्क करते हैं? FSH और LH, जो किस में हेल्प करते हैं? एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। LH एंड FSH अटेन्स इन द पीक इन द मिडल ऑफ 14th day। 14th day पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ व्हाट डज इट डू? रैपिड सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है LH का, तो इट विल इंड्यूस ग्राफियन फॉलिकल टू रप्चर। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देती है और उसके अंदर से एग जो होता है वो रिलीज हो जाता है। एग रिलीज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो एम्प्टी हो जाती है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है?
ओवोल्यूशन हो चुका है, एग रिलीज हो चुका है। अब जब रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा और पॉलीफ्रेट करेगा एंडोमेट्रियम को, फिर से रिपेयर करने में। एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन डू नॉट शीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम जो होती है वो शीड ऑफ नहीं होती, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन अकर होता है, मतलब हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम और ज़्यादा ग्रो होती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यूस होती है, और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन कराती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट 50 इयर्स, 50 इयर्स पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप दिस वीडियो इज़ वेल अंडरस्टूड बाई यू, एंड इफ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।